इस वक्त आपको बराह रास्त ले चलेंगे। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे हैं। लोगों ने अक्सरियत दी थी तो इस मौका पर मैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को, इमरान खान साहब के चाहने वालों को, अपनी कौम के माओ बहनों को, उन बुजुर्गों को, उन जवानों को जिन्होंने इस पूरी स्ट्रगल में इमरान खान को सपोर्ट किया, मैं उनका शुक्रगुजार भी और उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। ये पहली दफ़ा था पाकिस्तान की तारीख में कि 22 साल के मुसलसल जदोजहद के बाद अवाम ने पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर, पाकिस्तान का वजीर आजम चुना। इस पे बात करने से पहले मैं अपनी पूरी कौम को जो देख रहे हैं उनको बताऊं कि जिस तरह के खित्ते में इस वक्त कोरोना के वबा के मुकाबले में पाकिस्तान बेहतर जा रहा है और उस पे काबू की तरफ हम जा रहे हैं, तो ईद उल अज़हा के मौका पर मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि जिस तरह एनसीओसी में बेहतरीन काम हुआ, तो जो एसयूपीज जारी किए गए हैं इस ईद पर भी आपने उनके ऊपर अमल दरामद करना है, ताकि जिस तरह हमने पूरी दुनिया इस वक्त मिसाल दे रही है कि जो बेहतरीन इकानमीज थी, बेहतरीन हेल्थ निज़ाम था, वो किस तरह इसके सामने बेबस दिखाई दिया और हम सब ने मिलकर किस तरह इसका मुकाबला किया, तो इस एसओपीज पे हमने अमल करना है। अब जरा आते हैं, कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आगाज में ही उन्होंने सेलेक्शन की बात की। अब ये बात कौन कर रहा था, मैं भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह मौसूफ ने एक पर्ची को बुनियाद बनाकर अपनी सियासत का आगाज किया। अब जिसकी सियासत का आगाज पर्ची से हुआ हो वो जमहूरियत को क्या जाने, और चूंकि उनकी तालीम भी पाकिस्तान से बाहर है, क्योंकि कौम के पैसे पे अगर सही मानों में एहतिसाब हो, मैं हमेशा कहता हूं तो ऑक्सफोर्ड की फीस भी वापस अदा करना पड़ेगी, तो अगर सही मानों में एहतिसाब इस मुल्क के अंदर हो तो आप देख लेंगे कि उनको अपनी फीस भी वापस अदा करना पड़ेगी। लेकिन इससे एक और नुकसान भी हो रहा है कि उनको पाकिस्तान की तारीख का इलम ही नहीं है। मैं चंद हकायक के सामने रखूंगा। सबसे पहले आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी जिसकी बुनियाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखी थी, ये तो खैर भुट्टो की पार्टी रही नहीं, ये तो जरदारी ने और फर्जंदी जरदारी ने एक मखसूस इलाके की जुमात इसको बना के रख दिया है। लेकिन उनकी सियासत का आगाज कैसे हुआ था आपको याद होगा, सिकंदर मिर्जा को लिखे गए खत का और किस तरह वो तारीफें हुई थी। इनको तारीख का इलम नहीं है। मैं वो खत पढ़ के सुनाने की बजाय मीडिया के ऊपर छोड़ देता हूं कि जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाए तो उस वक्त गुजारिश ही कर सकता हूं कि अगर उस खत का भी कौम को पता चले कि किस अंदाज से तारीफें हो रही है, कौन किसको डैडी कहता था। और मैं कहूंगा कि ये आपकी स्क्रीन के सामने अगर आप कैमरे उधर कर दें तो अयूब खान और भुट्टो की आप अगर प्लीज उधर बैठ जाइए तो अयूब खान और भुट्टो की, और जब भुट्टो हल्फ ले रहा था अयूब खान से तो सिलेक्शन का अगर वो मंजर भी आप दिखा दें, फिर उसके बाद दूसरी जुमात बनी और वो किस तरह बनी, वो किसी को एक्टर बनाना था, रंगीला के पास भेजा था, उन्होंने कहा कि ये एक्टिंग नहीं कर सकता, फिर सोचा क्रिकेटर बन जाएगा, जिमखाना भेज दिया, लेकिन वो अपने साथ अंपायर लेके जाता था तो खेल लेता, अंपायर अपना ना होता तो फिर नहीं खेल पाता, लिहाजा एक्टिंग में भी नाकाम, उसके साथ साथ क्रिकेटर बनने में भी नाकाम, और फिर उसके बाद जनरल जियाउल हक जनरल जिलानी, आपको पूरी कहानी पता है कि किस तरह उनकी कोख से इसकी सियासत ने जन्म लिया। अगर आप स्क्रीन पर दिखाएं नवाज शरीफ और जनरल जियाउल हक की, ये जिस तरह अदब से नवाज शरीफ खड़े हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं हुआ, ये तो माजी की बात है, IJI बनती है, किस तरह इनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेके आते हैं, और फिर उसके बाद मैं एक महीने पहले का एक क्लिप आपको दिखाऊंगा कि आज भी इनके छोटे मियां को इसकी पड़ी है, सेलेक्टर ढूंढ रहा है, शॉर्टकट ढूंढ रहा है, चोर दरवाजा ढूंढ रहा है, जरा वो मंजर भी दिखाइए कि क्या कहा शहबाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ के हवाले से क्या बात हुई।
आवाज तेज कर दें, आवाज जी। मैं कौम को दिखाना चाहता था, सुनाना चाहता था कि ये पूरा कौम देख लेती कि आपने देखा कि किस तरह पर्ची पे इनके सियासत का अपना आगाज हुआ, किस तरह कौन किसको डैडी कह के अपनी सियासत का आगाज करते, पहले काबीना में आते और फिर उसके बाद दूसरी तरफ। अगर आप बैठ जाइए प्लीज। फिर उसके बाद ये शहबाज शरीफ ने हालिया दिनों में क्या किया, फिर उसके बाद दूसरा मैं आपके जो बातें हुई उसकी तरफ आऊंगा। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बड़ी बात हुई, लेकिन अगर आवाज नहीं चल रही तो फिर कोई फायदा नहीं है। आवाज इसकी बंद कर दे। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात हुई, मैं ये मनाजिर आज आपको दिखा रहा था कि किस तरह जब ये हुकूमत में थे तो ख्वाजा आसिफ जब अमेरिका जाता है तो क्या कहता है, वहां पर इमरान खान के बारे में कहता है कि ये बड़ा दीनी है, इस्लाम की तरफ इनका रुझान है, दीन पसंद है, सच्चा मुसलमान है, हम बड़े लिबरल है, हमें मौका दे रहे हैं, हम आपकी अच्छी खिदमत करेंगे। इसके साथ जो गिलानी की हुकूमत थी, जरदारी की हुकूमत थी, वो अमरीका जाके और अमेरिकन एम्बेसडर से मिलकर कहते हैं कि आप ड्रोन हमले करते जाए, हम पार्लियामेंट में शोर मचाएंगे, उसके ऊपर खामोश हो जाएंगे। ये थी इनकी फॉरेन पॉलिसी। मैं चूंकि यहां पे इनका सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, मैं आपको 22 साल स्ट्रगल की भी क्लिप दिखा रहा था कि किस तरह इमरान खान ने 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, 2002 के इलेक्शन में एक सीट मिली, लोगों ने कहा कि सियासत में कामयाब नहीं हो सकता, इनको वजारत उज़्मा की ऑफर हुई, वो टुकरा दी। जब क्रिकेट खेल रहे थे, वजीर बनने की ऑफर हुई, वो टुकरा दी। और 22 साल जदोजहद के बाद 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनी, बेहतरीन कारकर्दगी बुनियाद पर टू थर्ड मेजॉरिटी वहां पर हासिल की, और 2018 में अल्लाह के फजल से, कौम की दुआओं से और अवामी मकबूलियत की बुना पे मुल्क के वजीर आजम बने। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बातें यहां पे की गई, मैं एक एक करके उसका जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कश्मीर का सफीर बनना था। मैं पहले सवाल करूंगा फिर कश्मीर के मुकदमे के ऊपर बात करूंगा। राजीव गांधी जब पाकिस्तान आ रहा था तो उस वक्त कश्मीर का बोर्ड इस्लामाबाद से किसने हटाया था, 80s में किसकी हुकूमत थी, बेनजीर की। जब राजीव गांधी इस्लामाबाद आते हैं तो उसमें कश्मीर का बोर्ड भी वो हटा देते हैं। क्या खौफ था, क्या डर था? लेकिन इमरान खान जब वजीर आजम बनते हैं तो कश्मीर का सफीर बन के वो यूएन में जाते और आलिम इस्लाम का तर्जुमान बन के निकलते हैं। आपने वो तारीख भी देखी कि 54 साल कश्मीर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे नहीं आ सका इमरान खान की वजह से। एक साल के अंदर दो दफा कश्मीर के इशू के ऊपर बहस होती है। कश्मीर इंटरनेशनलाइज इशू, जो इंडिया कहता था कि हमारा अंदरूनी मसला है, वो इंटरनेशनलाइज हो जाता है। फिर उसके बाद कलभूषण के हवाले से बात की। मैं सवाल पूछता हूं कि आईसीजे में कौन ने वो ज्यूरिडिक्शन जो है वो तस्लीम की, वियना कन्वेंशन की किसने बात की, कौन शर्माता था कलभूषण का नाम लेने के लिए, किसका वीडियो बयान और किसके स्टेटमेंट को आईसीजी में पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया? ये हम नहीं है, अपोजिशन में जो बैठे लोग हैं। लेकिन आज अगर पाकिस्तान कोई बेहतरी के लिए काम कर रहे और पार्लियामेंट में पूरी ब्रीफिंग दी गई तो आप उसके ऊपर सियासत करते हैं? आपको दुख इस चीज का है कि आज कश्मीर पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इशू बन के क्यों सामने आया? आपको दुख इस चीज का है कि इंडिया और मोदी की पॉलिसीज की वजह से किस तरह उसको बेनकाब किया गया? दुख इस चीज का है कि आज इस्लाम का, पाकिस्तान का कश्मीर का सफीर बन के अक्वामे मुत्तहिदा में इमरान खान जाते हैं तो पूरी दुनिया उनकी आवाज सुनती है? इसके ऊपर कोई बात नहीं। अपनी ही करतूतों के हवाले से बात कर रहे हैं, आईसीजे में बयान आपका पाकिस्तान के खिलाफ चलाया जाता है, आप ही
वहां पे जाते हो, कश्मीर का बोर्ड राजीव गांधी के दौरे के मौका पे आप हटा देते हो। फिर उसके बाद इन्होंने एक और बात की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और मैं आता हूं कि उन्होंने जो पीटीआई का मंसूर पढ़ के सुनाया, मैं उसके ऊपर भी आता हूं। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा था कि मैं वजीर आजम हाउस में नहीं रहूंगा, आपने भी सुना होगा। इन्होंने कहा कि तो इसका मैं ये जवाब दे दूं कि इमरान खान वजीर आजम हाउस में नहीं रह रहे, बल्कि आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दो साल बाद जिस पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं वहां पे, छोड़ दीजिए भाई, आज जिस पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं वहां पे, आप प्लीज छोड़ दें, प्लीज छोड़ दें, नहीं चल रहा तो छोड़ दे उसको, मैं बात कर रहा हूं। तो कैंप, कोई कैंप ऑफिस इमरान खान का नहीं है। मैं इनसे पूछता हूं कि जरदारी के अखराजात जरा मैं आपके सामने रखता हूं, कंपैरिजन करता हूं, फिर मुकदमे के ऊपर आता हूं। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा था वजीर आजम हाउस में नहीं रहूंगा, नहीं रह रहे। इमरान खान का कोई कैंप ऑफिस नहीं है। इमरान खान के घर की तरफ सड़क और जो फेंसिंग मापी हुई वो अपने पैसे से हुई। कोई किसी दौरे पर इमरान खान अपने साथ अपने रिश्तेदारों को नहीं लेके गए। कोई भी दौरा इमरान खान का दो साल के अंदर प्राइवेट दौरा नहीं है। लेकिन जो दौरे हुए उसका कंपैरिजन और जो इनके थे, कि जरदारी ने पांच साल के अंदर बैरूनी मुल्क दौरों पे कितना पाकिस्तान का खर्च किया आवाम के टैक्स का पैसे का, 316,41,18,287, 316,41,18,287। लेकिन सिर्फ ये नहीं, क्या फर्जंदी जरदारी जवाब देगा कि इनके लिए जो सिक्योरिटी के नाम पे लोग खड़े होते थे 2015 में 656 सिर्फ इनके साथ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में होते थे, और घर की सिक्योरिटी के लिए 1722 बंदे होते थे। इस तरह 2016-17 में 820 इनकी सिक्योरिटी के लिए बंदे होते थे, और घर की सिक्योरिटी के लिए 2050। हालांकि ये वो दौर है जब ये हुकूमत में नहीं थे, तब भी पाकिस्तानी कौम का पैसा इनके ऊपर इस तरह खर्च हो रहा था। फिर दो यूएन की विजिट की बड़ी बात होती है, इमरान खान ने यूएन का विजिट 1,62,000 डॉलर पे किया। शाहिद खाकान अब्बासी वो दौरा 7,05,000 डॉलर पे करता है। नवाज शरीफ 11,13,000 डॉलर लगाते हैं उस दौरे के ऊपर। इमरान खान, आसिफ अली जरदारी 13,09,000 डॉलर इस दौरे के ऊपर लगाते हैं, जो इमरान खान 1,62,000 डॉलर में करते हैं। लेकिन ये जाते हैं पर्ची थाम के, दो मोर का इनसे मुतालबा होता है, और फिर ये वहां पे कहते हैं कि आप ड्रोन हमले करते जाएंगे, हम पार्लियामेंट में शोर मचाएंगे, और फिर खामोश हो जाएंगे। फिर इन्होंने बात की कश्मीर का यूएन जीएम है, इस मरतबा जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा लड़ा उससे पूरी पाकिस्तानी कौम फख्र महसूस करती है। जिस अंदाज से उन्होंने इंडिया और मोदी को भी निकाब किया उस पर पूरी पाकिस्तानी कौम फख्र महसूस करती है। लेकिन जब आप कुलभूषण की बात करें तो याद रखिएगा कि आईसीजे में आप लेके गए, फिर उसके बाद कुलभूषण का नाम लेने पे आप कतराते थे। रेमंड डेविस को आपके दौरे हुकूमत में, जब पाकिस्तानियों को शहीद किया गया, आपके दौरे हुकूमत में छोड़ दिया गया। कश्मीर का बोर्ड राजीव गांधी के दौरे के मौका पर आपने हटा दिया। अब आते हैं दूसरे इशूज के ऊपर। कहा गया कि चीनी के ऊपर एनआरओ, आटे के ऊपर एनआरओ, चीनी की जो जेआईटी बनती है, रिपोर्ट आती है, और इससे पहले फेक अकाउंट्स की जेआईटी थी उसमें इनके अब्बू का जिक्र है। इमरान खान का कोई शुगर मिल नहीं है, उसमें जिक्र है कि किस तरह इनको सब्सिडी मिली है, और कराची का और सिंध के लोगों का खून चूसा गया और पैसे इनके शुगर मिलों को मिले गए। एनआरओ इस पर नहीं मिलेगा। जेआईटी रिपोर्ट आई, फॉरेंसिक हुआ, जजा सजा का अमल शुरू हुआ, और इसमें आप जितना भी शोर मचाए आपको कोई भी माफी नहीं मिलेगी। गंदुम गायब, वहां पे गोदामों से गंदुम गायब, गंदुम की चूरिया, गंदुम के मामले पे नैब की रिकवरिया, गंदुम के मामले पे नैब की तहकीकात, सिंह से ये आवाजें आ रही है। शोर मचाओगे
फिर भी एनआरओ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद जिक्र करते हैं करप्शन का। अब जाहिर सुनिए, फरजंद जरदारी करप्शन के हवाले से बात कर रहा था, आसिफ अली जरदारी की जुमात करप्शन की बात कर रही है। हमें याद है 2018 से 2013 तक हर रोज रात को एक प्रोग्राम चलता था और एक सुर्खी लगती थी, अजब करप्शन की गजब कहानी। इनकी दौरी हुकूमत में हर दिन करप्शन का नया स्कैंडल, इन्होंने तो हज और उम्र को भी नहीं बख्शा था। फिर उसके बाद आप ये भी देखिए कि फेक अकाउंट्स, पाकिस्तानी कौम की सिंध की तरक्की का पैसा, सेहत का, तालीम का, पानी का, बड़े बड़े मनसूबों का, सड़कों का, ये तमाम पैसा इन्होंने काया, फेक अकाउंट्स में डाला और अपने लिए इस्तेमाल किया। सिंध की तरक्की का पैसा, जेआईटीज बनी, फेक अकाउंट्स जेआईटी हो, टीटी जेआईटी हो, इनके नाम भरे हुए हैं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट अगर आती है हमारे दौर में पहले साल की, तो 98% इररेगुलरिटीज में कमी होती है। ये इमरान खान की हुकूमत है, ये इमरान खान की कारकर्दगी है। फिर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मंशूर की बात की, बड़ा अच्छा होता। तीन नस्लों से सिंध के अंदर जिसकी हुकूमत सिंध के ऊपर काबिज है, सिंध को अपना जागीर समझते हैं, कि कोई अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने लेके आते, कोई यहां पे कौम को बताते कि हमने पिछले 3-4 दिहाइयों में सिंध के साथ क्या किया। आज भी वहां पर भूख से लोग क्यों मरते हैं, आज भी वहां पे गोश्त गुड़ सबसे ज्यादा क्यों है, आज भी वहां पे अस्पतालों में एम्बुलेंस और स्ट्रेचर गायब क्यों है, आज भी वहां पे डॉक्टरों तक को वेंटिलेटर क्यों दस्तियाब नहीं होता, आज भी भूख और अफलास से सबसे ज्यादा अमवात सिंध के अंदर क्यों होती है, आज भी गुर्बत की सतह से नीचे लोगों की तादाद सबसे ज्यादा सिंध में क्यों है। बाकी तो छोड़े, 98,000 जिस सूबे के अंदर कुत्तों के काटने के वाकयात और 27,000 इस फरजंद जरदारी के हल्के में, लेकिन वैक्सीन दस्तियाब ना हो तो उनकी क्या बात करें। लेकिन चूंकि हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, ये शॉर्टकट और चोर दरवाजे से आए हुए हैं। इनका काम यह है कि हमेशा कहते हैं कि ये कौन होते हैं मुझसे सवाल पूछने वाले, नैब की क्या मजाल की मुझसे सवाल करे, मीडिया को कहते कि इंसान बने, यही कह सकते हैं। हम नहीं कहते, हम बड़े आजिज लोग हैं, हम अवामी लोग हैं, हमसे अवाम भी सवाल पूछते हैं, मीडिया भी सवाल पूछता है, पार्लियामेंट में भी सवाल होते हैं, हम जवाब दें। तो मैं उसके ऊपर जरा आता हूं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुकूमत में, आज 2 साल हुकूमत के पूरे नहीं हुए, आज 2 साल अवामी जदोजहद के, जो 22 साल स्ट्रगल के बाद इमरान खान ने इलेक्शन जीता था, उसके 2 साल है। ये मौसू तो मलाकंड से और लियारी से जिस बुरी तादाद अंदाज से हारे थे, आपको उसका भी पता है। एहसास, गरीबों का एहसास, आम तबके का एहसास, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू किया। न सिर्फ ये कि आलमी वबा के मौका पर मजीद 244 अरब का ये प्रोग्राम हमने बढ़ाया, 192 अरब का एहसास प्रोग्राम पहले से साल शुरू हुआ था, इस साल 208 अरब एहसास के लिए रखे गए हैं। पाकिस्तान की जो कौम सड़कों पर सोती थी, जो अपने लिए अस्पताल बड़े शहर का विजिट करते थे, जो अपने लिए रोजगार ढूंढते थे और शाम को सर्दी में भी और इस शदीद गर्मी में भी सड़कों पर सोते थे, उनका किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि 5-5 के ऑफिस रखे थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने, उन्होंने सड़कों से पाकिस्तानी उन शहरों को उठाया, रियासत ने उनका अपना मेहमान बनाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 200 तक आपके शेल्टर होम पहुंच चुके हैं और लाखों की तादाद में लोगों का सहारा बन चुके हैं। फिर जो लोग भूखे पेट सोते थे, इनको क्या परवाह, इनको क्या पता, इनको तो सिंध के अंदर लोग भूख से मर रहे होते, ये कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता, हालांकि 2000 से ज्यादा पिछले 5 सालों में थर में भूख से बच्चे मर चुके हैं, इनको एहसास नहीं होता। इमरान खान ने उनके लिए भी प्रोग्राम शुरू किया, गुर्बत के खात्मे का प्रोग्राम, एहसास, कब्जा माफिया से जमीनें चुड़वाई, जो कब्जा माफिया ये बैठा हुआ था कोई रियासत की जमीन पर काबिज थे, आम लोगों की जमीनों पर काबिज थे, वो आपको याद है कि किस बड़े सतह पे हमने अरबों रुपए की जमीन जो है वो वागुजार कराई। सिफारती तनहाई थी पाकिस्तान को, याद होगा आपको कि इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कुछ दिन पहले क्या होता था कि ट्रंप क्या दे रहा है, आज पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अमन में किरदार अदा करने के लिए रिक्वेस्ट होती है। आपको याद होगा कि पूरी दुनिया में सिफारती तनहाई का शिकार हो गए थे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सिफारती तनहाई से आलिम इस्लाम की रहनुमाई तक का सफर तय किया।
कश्मीर का मुकदमा लड़ा, आलिम इस्लाम का मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान को टेररिज्म से टूरिज्म का के ऊपर जाना जाने लगा। इसके साथ साथ फिर ईरान, सऊदी अरब इसमें अमन में क्या किरदार अदा किया, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का जो किरदार है वो दुनिया के सामने, चाइना के साथ पाकिस्तान का सीपेक का एक नया दौर शुरू हुआ, सीपेक इंफ्रास्ट्रक्चर से निकल के इसमें एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, बाकी चीजें भी इसके अंदर आने लगी, वो भी आपके सामने है। फिर उसके बाद रिमिटेंसेस में इजाफा हुआ, ओवरसीज पाकिस्तानी का इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ। 12 अगस्त 2018 की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में 7 ममालिक ऐसे हैं जो डिफॉल्ट होने जा रहे हैं, 5 दिन इमरान खान के हल्फ लेने से पहले, कि 7 ममालिक हैं जो दिवालिया होने जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने उस दिवालियापन से पाकिस्तान को निकाला, मईशत को आईसीयू से निकाला, उसको एक डायरेक्शन दी, 5000 अरब इनके लिए हुए कर्जों के सूद के ऊपर जो अदा करे 5000 अरब इमरान खान ने वापिस कर दिया, इनके लिए हुए कर्जों की बात कर रहा हूं। फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान में 70 साल में आप देखिए कितने डैम बने थे, 3 बड़े डैमों पे 2 साल के अंदर काम का आगाज हुआ, 3 बड़े डैमों पे 2 साल के अंदर काम का आगाज हुआ, उससे आपको सस्ती बिजली भी मिलेगी, पाकिस्तानी कौम को रोजगार भी मिलेगा, वहां पे आपके पानी का मसला भी हल हो जाएगा। फिर उसके बाद सियातिन साहब का खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान इस प्रोग्राम का शुरू किया था, और ये मेरे और आपके दिल के बड़े करीब है कि हम जो गरीब बंदा, तनख्वाहदार बंदा बीमार हो जाए, घर में अल्लाह ना करे बीमारी आ जाए, तो सबसे बड़ी तकलीफ किस चीज की होती है कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊंगा, क्योंकि एक ऑपरेशन करना है, महंगा इलाज है, किस तरह अदा करूंगा। पख्तूनख्वा में इमरान खान ने इसका आगाज किया था 4-5 साल पहले, 60% आबादी को हेल्थ इंश्योरेंस दी गई थी, इस साल के बजट में 100% जमशुदा अजला और खैबर पख्तूनख्वा की आबादी को 10 लाख तक मुफ्त और बेहतरीन इलाज मिलेगा, किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में भी आप उस सेहत इंसाफ कार्ड के ऊपर इलाज कर सकते हैं। उसके साथ साथ पंजाब, इस्लामाबाद और बाकी पाकिस्तान में 1 करोड़ खानदान, मतलब अगर 7 अफराद पे मुश्तमिल एक खानदान है तो 7 करोड़ की आबादी ये हो जाएगी जिसको मुफ्त और बेहतरीन इलाज की सहूलत सेहत इंसाफ कार्ड के थ्रू हासिल होगी। ये इसमें इस प्रोग्राम के ऊपर न सिर्फ आगाज हुआ बल्कि कामयाबी से चल रहा है। कामयाब जवान, 100 अरब का प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में पहले साल हमने रखा। नौजवानों को कहा जाता है कि आप अपना बिजनेस मॉडल लेके आए, रियासत आपको सपोर्ट देगी, अपना कारोबार शुरू करें, अपने साथ भी 2-3 नौजवानों को नौकरियां दें, आपको भी रोजगार मिल जाएगा, नौजवानों को भी रोजगार मिल जाएगा, पाकिस्तान की मईशत में आप किरदार अदा करना शुरू कर देंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पाकिस्तान ने 28 दर्जे तरक्की की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उसमें जो तेजी दिखाई दी, बेहतरी दिखाई दी, वो भी आपके सामने। फिर उसके साथ साथ 10 बिलियन ट्री सुनामी, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, दुनिया आज उसकी तारीफ कर रही है, और जो आलमी वबा के दिनों में जिस तरह लोगों को इससे रोजगार भी मिला, एक तो आपकी क्लाइमेट चेंज के लिए है, यहाँ पे माहौल के लिए, लेकिन इसके साथ साथ जो लोगों को इससे रोजगार मिला वो भी एक कामयाब प्रोग्राम के तौर पर सामने आया। इनके दौर में पाकिस्तान को जुर्माना हुआ था $1.2 बिलियन कारके का, आपको याद होगा, इमरान खान और उर्दगान से बात करने के बाद पाकिस्तान को वो जुर्माना भी माफ किया गया इमरान खान की कोशिशों की वजह से, और वो $1.2 बिलियन भी पाकिस्तान को अदा नहीं करना पड़ेगा। फिर उसके साथ साथ इन्होंने बात की 50 लाख घर की, साउथ पंजाब सूबे के कयाम की, तो 50 लाख घरों के ऊपर अभी पूरी पाकिस्तान का जितना भी रियल इस्टेट सेक्टर है, बिजनेस कम्युनिटी है, बल्कि पाकिस्तान का आम तबका और तनख्वाहदार तबका, वो अपना, अब इस वक्त हुकूमत ने इंसेंटिव्स दिए, जो पेश दिया उसमें तनख्वाह अपना पूरा सा है, उसके ऊपर काम शुरू हुआ। आज से आपने 50 साल पहले रोटी कपड़ा मकान का वादा किया, 50 साल बाद भी वही नारा है, किसी को रोटी कपड़ा मकान मिला? रोटी नहीं मिली, गुर्बत से, भूख से लोग सिंह के अंदर मर रहे हैं, सर में सबसे ज्यादा मौत होती है। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि शायद इनको शर्म आ जाए, शर्म नहीं आती। रोटी कपड़ा मकान का नारा, वही 50 साल गुजरे, 50 साल में इन्होंने जवाब नहीं दिया कौम को,
ये आके लेक्चर देते हैं, हमारे दो साल इलेक्शन को हो गए, 50 लाख करोड़ के ऊपर काम शुरू हो गया, इंसेंटिव दे दिया, पैकेज दे दिया, तनखादार बंदा अपना घर खरीद सकेगा, 3 लाख रुपए उसमें हुकूमत जो है वो आपको अदा करेगी, तो प्रोग्राम सामने आ गया। फिर उसके बाद साउथ पंजाब का हुआ नारा, तो आप लोगों ने भी बहुत लगाया था, साउथ पंजाब की सेक्रेटरियट का कोई नोटिफिकेशन आपने देखा था, कोई इसके ऊपर आगाज देखा था, को आप इस सेक्रेटरीज की तैनाती देखी थी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ये वादा तकमील की जानिब है, इसके ऊपर भी हो गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 साल के अंदर, आज इलेक्शन को 2 साल हुए और अब हम आपके सामने परफॉर्मेंस भी लेके आए आएंगे, बड़ी बड़ी चीजें मैं फिर रिपीट कर लूं, फॉरेन रेमिटेंसेस आपकी बढ़ गई, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 28 दर्जे तरक्की की, टेररिज्म से आप टूरिज्म पे पहचाने जाने लगे, टूरिज्म को आपने फरोख दे दी, आपने इनका लिया हुआ कर्जा 5000 अरब वापिस कर दिया, आपने 1.2 बिलियन कारके का जो था पाकिस्तान के लिए माफ करवाया, 3 बड़े डैमों पर आगाज कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे पुराने मुकम्मल किए, नए मनसूबों का आगाज पाकिस्तान के अंदर हो गया, जो सुबह सिंध में बेहतरीन मोटरवे का कायम कोई सोच नहीं सकता था, हैदराबाद सक्कर के ऊपर एक मंजूरी दे दी, उसके ऊपर आगाज हो गया, आप सब इस साल हो जाएगा, बलूचिस्तान के अंदर जो मगरबी रूट था उस पर आगाज नहीं था वो हो गया, सीपेक अगले मरहले में दाखिल हो गया, एग्रीकल्चर की बेहतरी के लिए प्रोग्राम आ गया। तो ये तमाम चीजें 2 सालों की मैं बात कर रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा आखिर में इनसे भी चंद सवाल करूंगा और फिर अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, आपके सवाल लूंगा। सवाल ये करूंगा कि पर्ची की बुनियाद पे जो सियासत में आया हो उसको न पाकिस्तान की तारीख का पता होगा, उम्मीद है कि आप वेडूस तो नहीं चल रही थी, लेकिन अगर ये देख लेते कि किस तरह अपनी तारीख का इलम नहीं है कि सियासत पीपल्स पार्टी की बुनियाद कैसे रखी गई थी, इसकी अपनी सियासत का आगाज जब वो पर्ची पढ़ के आता है वो भी मैं आपके लिए लेके आया था। अपनी सियासत का आगाज कैसे हुआ तो पाकिस्तान की तारीख में इनके उस्तादों को कहूंगा कि सिर्फ ये रट्टा तो लगा लेता है लेकिन आप तारीख का नहीं बताते। पिछले दिनों में FIA की एक रिपोर्ट भी ये सामने लेके आया था, बाद में किसी ने बताया नहीं, रट्टा इसने मार दिया, बाद में पता चला कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट थी। तो थोड़ा सा जो तकरीर नवीस है या तो वो बदल ले या थोड़ा सा पाकिस्तानी तारीख ही समझा ले ताकि जब भी रट्टा लगाए कम अज कम बाद में उसको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। ये भी इनको बताए कि 50 साल पहले रोटी कपड़ा मकान का नारा था, आज तक ये जवाब दे नहीं है। हम 2 सालों का जवाब देते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इमरान खान की क़यादत में इस वक्त पाकिस्तान का आलमी सतह पे इमेज बेहतर हुआ। इन 2 सालों के अंदर आपको कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस आपके सामने नहीं आया, कोई बड़े करप्शन का केस आपके सामने नहीं आया। पाकिस्तान के जो माजी में गलतियां कोताहियां IPPs शुगर आटा इन चीजों में हुई थी उसका कम से कम ऑडिट आपके सामने आ गया। जो लोग पाकिस्तान के पैसे को जिन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया और लूटा उनके नाम आपके सामने आ गए। एहतिसाब जो हम कर सकते थे, जो डेट कमीशन बना उसके साथ जो इंक्वायरीज हुई वो भी आपके सामने है। लेकिन आपसे भी हम 2-3 दिहाइयों का हिसाब लेंगे, 4-5 दिहाइयों का और 3 नस्लों का हिसाब देंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आप कौम के सामने आए भड़के मारे पार्लियामेंट से आप भागे। मैं तो कभी कभार सोचता हूं कि शायद सहाफी होता और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चला जाता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आगे ना करता जिस तरह पार्लियामेंट से भागता है। तो आप सहाफियों को कहते हैं कि ये कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले, हम आपसे सवाल पूछेंगे, मीडिया आपसे सवाल पूछेगा, आपने सिंध की कारकर्दगी का जवाब देना है। इस वक्त आप हुकूमत में है, आप अपोजिशन में नहीं। आप खैबर पख्तूनख्वा के 7 साल लीजिए और अपने 3-4 दिहाइयों की और 3 नस्लों की हुकूमत लीजिए, आप मुआवजा कौम के सामने जो कंपेरिजन है वो कौम के सामने रखे, कौम को पता चल जाएगा। मैं आखिर में फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान की माओ बहनों का, अपने बुजुर्गों का, अपने जवानों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने 2 साल पहले इमरान खान की क़यादत पे एतिमाद किया। इमरान खान को पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर था, मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा इस तरह एक मकबूल तहरीक लेके 22 साल की जदोजहद के बाद एक पार्टी हुकूमत में आई, इसलिए वो अवाम के गुरबत के खात्मे के और अवाम की बेहतरी के मंसूबे लेके आ रही है। शुक्रिया। अच्छा सर, सरदार वकार, रोजनामा शहर से
बंद कर दे वो, क्या जरूरत है? अब इमरान खान हुकूमत ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल भी बड़ा अच्छा इमेज देने की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो आवाम हैं, जो बुनियादी जरूरियात ज़िंदगी हैं, आटा चीनी या सब्जियाँ जो भी हैं, उसमें वो महंगाई की चक्की में ऐसे पिस रहे कि उन्हें कोई हाल दिखाई नहीं देगा, तो उसके बारे में आप कब तक डिलीवर करेंगे? देखिए पहली चीज़ मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, ये गुरबत के खात्मे का प्रोग्राम जो है पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं था। जो आपका सवाल है, शुगर पे सब्सिडी दी जाती थी, चीनी 140 रुपए तक इनके दौर हुकूमत में चली गई थी, आप साहब की आपसे मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, अभी 79 ATP थी कि इंक्वायरी कराई गई। अगर ये हो जाता और किसी हुक्मरान का शुगर मिलना होता तो आपको हमेशा की आसानी हो जाती, लेकिन ये तो कई दहाइयों से शरीफ खानदान की भी शुगर मिल, जरदारी की भी शुगर मिल, इमरान खान का कोई शुगर मिल नहीं है। अगर ये पहले इसका कोई ऑडिट होता, गलतियों का तायुन होता, सजाया होती, तो इसके लिए कानून साजी होती और आवाम की आसानी होती, ये नहीं हुआ, अभी हो गया। लॉन्ग रन में इसका क्या फायदा कि कौम के ऊपर जिस तरह की सब्सिडी इनको मिले, पैसा इनको मिले, बोझ आवाम बर्दाश्त करे, ये आवाम आगे बर्दाश्त नहीं करेगी। बिजली के मंसूबे महंगी तरीन पाकिस्तान की तारीख में मंसूबे रखे गए, गैस आप देखें कि LNG टर्मिनल एक एक टर्मिनल के 2.5 लाख रुपए पर $2.5 लाख पर डे आप अदा करते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस है उससे 2-3 गुना महंगा आपने मुआवजा कर दिया। न कौम ने सवाल किया, न किसी ने पूछा, कौम को पता ही नहीं था, हमारी हुकूमत आई कौम को पता चला कि जो पाकिस्तान में हम ऑयल प्राइसेस है वो दुनिया से 2-3 गुना महंगे, इन्होंने 15-20 साल तक कंट्रैक्ट किए हैं, कंट्रैक्ट 15-20 साल क्यों, तो उसका नुकसान क्या कि अगर आप यहां पे कोई इंक्वायरी करते हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाते हैं। इसीलिए इनकी भी इंक्वायरी किसने कराई? इमरान खान ने कराई। ये हकायक कौन मुल्क के सामने लेके आया? इमरान खान लेके आया। अब इससे आगे क्या होगा कि आप सस्ती बिजली की तरफ, आप बेहतरीन मनसूबों की तरफ जो कि आवाम के ऊपर इसका बोझ ना हो उस तरफ जाएंगे। उसका क्या आगाज हुआ? बिल्कुल हुआ, 3 डैमों का मैंने आपको बात की कि आपको सस्ती बिजली मुस्तकबिल में मिलेगी। आप जाहिर सी बात है कि इस पे टाइम लगेगा, लेकिन सस्ती बिजली होगी। जो महंगे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए थे कि 20-20 साल के मुआहदे, दुनिया में किसी और किस्म की कीमत है, आप बिजली इस्तेमाल करें ना करें आपने बिल देने हैं, आपको इसका पता है, आप गैस इस्तेमाल करें ना करें आपने इसके पैसे अदा करने हैं। तो उनको तो इन्होंने क्यों, क्योंकि इनके अपने मफादात थे। IPPs देख लीजिए, इनके इंटरेस्ट होंगे, इनके खानदान के होंगे, इनके कारोबारी दोस्तों के होंगे, शुगर मिल देख लीजिए इनके होंगे, तो और बाकी जो ऑयल के ऑयल प्राइसेस थी उसमें किस किस के नाम थे, किसके ऊपर कैसे चल रहे, वो भी आपके सामने है, आगे बेहतरी है। मैंने जवाब दिया, बिल्कुल पहली चीज़ ये कि आपको याद होगा कि जब इंक्वायरी शुरू हुई किसी ने कहा कि इंक्वायरी नहीं होगी, हो गई, किसी ने कहा रिपोर्ट नहीं आएगी, रिपोर्ट आ गई, किसी ने कहा फॉरेंसिक नहीं होगा, फॉरेंसिक हो गया, किसी ने कहा कि इसके ऊपर कोई एक्शन लेने का कोई मैकेनिज्म जो है उसकी मंजूरी नहीं होगी, वो हो गई। क्या उसके ऊपर आगाज हो गया? बिल्कुल हो गया जी। ये कल फरूख में एक तो तनकीद कौन कर रहे हैं आप ये भी सुनिए, ICJ में हम गए थे? नहीं गए थे। कलभूषण का नाम लेने से हम कतराते थे? नहीं कतराए। ये खुद गए और फिर उसके बाद कल फरूख नसीम साहब ने पार्लियामेंट में 18-17 मिनट की पूरी स्पीच करके इनको ब्रीफ कर दिया कि आपकी ये गलती थी, ये आपने ज्यादती की, और फिर उसके बाद हमने इसको बेहतर करने के लिए जो ICJ का डिसीजन है अपने कानून साजी ये करनी है, पाकिस्तान की बेहतरी करनी है। तो वो लोग अगर आज ख्वाजा आसिफ जो इकामा रखते हुए फॉरेन मिनिस्टर था, अमेरिका जाके वो क्या बयान दे रहे, इनसे वो वेडू ही प्लानिंग हुई, तो अगर आप देख रहे थे मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा था कि क्या था, आज ये बात करेंगे तो वो तो कल पूरे पार्लियामेंट में
फरू नसीम साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में उसको एक्सप्लेन कर लिया। थैंक यू। वज़ीर मुवासलात मुराद सईद मीडिया नुमाइंदगान से बात कर रहे थे। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज चूंकि 25 जुलाई है और 2018 में जब इलेक्शन हुए थे उसके बाद से पीटीआई की हुकूमत को वजूद में आए, 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इसी बारे में वो हुकूमत की कारकर्दगी से आगाह कर रहे थे मीडिया नुमाइंदगान को, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने तनकीद भी की है अपोजीशन पर, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, और जिक्र उन्होंने किया बिलावल भुट्टो जरदारी का। उन्होंने कहा कि पर्ची चेयरमैन शफाफियत के बारे में बात करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा हैरत होती है, अगर सही मायनों में एहतसाब हो तो बिलावल को अपनी तालीमी फीस भी वापस करना पड़ेगी। साथ ही साथ जो निजी दौरे किए जाते रहे हैं गुज़श्ता अदवार हुकूमत में मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से, मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से, उन पर भी बात की गई है आज मुराद सईद की जानिब से। और फिर जो करप्शन है, चाहे वो शुगर मिल्स के अंदर हो या दीगर और मामलात हों अपोजीशन के या दीगर जमातों के, उन पर भी वो बात कर रहे थे।